अनारा चोपड़ा बिल्कुल भी चाल में नहीं फंसी है खानजादी के। वेल, खानजादी अभी बहुत नॉर्मल हो चुकी है मनारा चोपड़ा के साथ, क्योंकि यहाँ पर विक्की भैया ने कहा था कि मनारा के साथ सॉर्ट आउट कर लो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने विक्की भैया के कहने पर अभी वो नॉर्मल हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि वो मनारा के साथ इतना नॉर्मल हो चुकी है, वो पूछ रही है कि तुम्हारी इक्वेशन कैसे है। कल यहाँ पर वो मनारा से पूछ रही होती है कि तुम्हारी और ईशा की इक्वेशन कैसी है, तुम लोगों की कितनी बनती है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो मनारा ने बिल्कुल भी यहाँ पर खानजादी को एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने कह दिया अरे मैं तो सभी के साथ चिलू, मेरा सबके साथ ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली वो ईशा की बुराइयाँ करना चाह रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ पहले इक्वेशन जान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर बुराइयाँ चालू करेंगे। वेल, खानजादी के बिहेवियर से ऐसा लगता है कि वो ईशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो हमेशा ईशा को बच्ची बच्ची कह करके टाल देती है, एक इमेज बनाने की कोशिश कर रही है वो ईशा की, अरे ये तो बच्ची है, तो 19 साल की है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन टाइगर डेन टास्क में अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ यहाँ पर ईशा ने जवाब दिए थे, वो बेस्ट था। अब यहाँ पर किचन एरिया में मनारा अपना खाना वाना पका रही हैंगी और यहाँ पर ईशा भी हैं, वो लोग काम वाम कर रहे हैं, तो अचानक से आती हैं खानजादी और ऐसा बिहेवियर करती हैं कि तू आना, तुझसे कुछ बात करनी है। तो कहीं ना कहीं मनारा और ईशा दोनों लोग समझ रही हैं कि ये खानजादी कर क्या रही है। तो मनारा का ये कहना है कि अचानक से अरे इसको हो क्या गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे पीछे मतलब मेरे पीछे पड़ क्यों चुकी है, अब मैं इसके लिए लड़ूं, उसके बाद यही मुझसे लड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं मनारा जो है ना फंस नहीं रही, मनारा बहुत ही दिमाग से चल रही है और उसकी सबके साथ बनती है, उसको पता है कि मतलब अचानक से कोई ऐसे कैसे नॉर्मल हो सकता है। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।